अभी हम देख रहे हैं एशियन पेंट का चार्ट। तो देखिए एशियन पेंट क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम आया था, ठीक है। यहाँ पे नो डाउट्स बायर्स हम लोग को दिखे थे बहुत एग्रेसिवली ट्रेड करते हुए, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया। हम दिन एक बाद क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ब्लैक टाइप का पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट आया, लेकिन तुरंत ही एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दिखाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना, मार्केट यहाँ पे जैसे एक ब्लैक टाइप का पैटर्न बनाया, ये ब्रेकआउट में मार्केट अभी अपसाइड नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स को, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे क्या रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमेंट समझ गए कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, ठीक है। और ये जो मोमेंटम आया था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हैं दिखा दिया था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट अभी कहाँ है, मार्केट अभी बायर्स के रेंज में है। तो अभी कैसे प्राइस एक्शन बना रहे हैं मार्केट, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे देखिए तो मार्केट साइडवेज टाइप का ये हो गया उसका रेजिस्टेंस लाइन, ये हो गया सपोर्ट लाइन। देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अभी मार्केट क्या है, मिडिल लाइन में है। तो मार्केट का अभी साइडवेज में कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मार्केट अभी मिडिल लाइन में है, हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन लेके इसको ब्रेक करके नीचे साइड फॉल कर दे, अधूरे यहाँ से कंटिन्यू करके यहाँ से आके रिट्रेस थोड़ा करके इसको ब्रेकआउट देकर अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर दे। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज है, पहला ब्रेकडाउन, सेकेंड ब्रेकआउट, और थर्ड ये साइडवेज कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटीज में आप कैसे क्या ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड एंट्री करें, बट नो डाउट इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आपका पहला टारगेट होना चाहिए, ठीक है। टारगेट ये होना चाहिए। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये साइडवेज मार्केट को इग्नोर करेंगे तो बेहतर रहेगा। थ्री पॉसिबिलिटीज निकल रहा है तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे देख के ट्रेड करना पड़ेगा।